लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। प्राइम 18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ साझा सुर्खियों पर। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राज्य सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा कैंपेन ब्लड डोनेशन का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इसी क्रम में दौसा जिले में जो एक इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके लिए नोडल विभाग जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज जो पीजी कॉलेज है दौसा का, उसके प्रिंसिपल साहब इसके नोडल अधिकारी हैं, उनको इसके बारे में सभी निर्देश दे दिए गए हैं। सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस की एक मीटिंग कॉल कर ली गई है जिसमें कि जो स्टूडेंट्स हैं जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं और जो बाकी क्राइटेरिया फिट करते हैं उनको प्री रजिस्ट्रेशन करवाना है वेबसाइट पे, उनसे संकल्प पत्र भरवाए जाएंगे ताकि एक मोटिवेशन उनमें आए और मैक्सिमम लोग इसमें हिस्सेदारी करें। आम जो नागरिक हैं वो भी इसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, यही मेरी अपील रहेगी, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा काम है, पुण्य का काम है अपना रक्तदान करना, ताकि आने वाले समय में कभी हमें भी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, कभी हमारे साथ कुछ ऐसी कोई घटना होती है या कुछ हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम भी यही चाहेंगे कि ब्लड बैंक में हर ग्रुप का पर्याप्त ब्लड उपलब्ध रहे। तो ये सभी के लिए भले का काम है और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सेदारी ले रहूँगी। दौसा ज़िले में इसके 5 सेंटर स्थापित किए गए हैं जो कि राजकीय कॉलेज हैं सभी नगर पालिका क्षेत्रों में, और उसके अलावा एक एडिशनल सेंटर भी स्थापित किया गया दौसा जिला मुख्यालय पर। इनके लिए टीमें गठित की जाकर मेडिकल विभाग और ब्लड बैंक की तरफ से वहाँ पे सभी जो है सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, लोगों की मेडिकल जांच का भी वहाँ पे व्यवस्था रहेगी और साथ ही में ब्लड डोनेशन करने के बाद जो डोनर्स हैं उनको रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि किसी तरह की कमजोरी नहीं आए, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और मैं सभी से, आम जनता से और मीडिया के बंधुओं से भी अपील करता हूँ कि इस पुण्य के काम में, इस कैंपेन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि हम लोग इस कैंपेन में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकें। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा